गुड इवनिंग सर। हाँ इवनिंग यार, एक मिनट रुक जाओ, चालू करते हम लोग है ना। तो सर, गुड इवनिंग सर। अरे गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग यार। देखो आज का अपना टॉपिक है ओम्स लॉ रेजिस्टेंस। अब यार तुम लोगों ने ये टॉपिक पहले जरूर पढ़ा होगा, तुम सबको लग रहा होगा सर ये तो पहले पढ़ा हुआ है 10वीं क्लास में, लेकिन है क्या, हम 12वीं क्लास में है ना। तो यहाँ से अपना टॉपिक चालू होता है, अपना चैप्टर। तो अपना चैप्टर ही चालू किससे होता है, ओम्स लॉ से। तो अगर तुम्हें आता है, वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भूल गए हो, बट अगर तुम्हें आता है तो भी अच्छे से समझना, और नहीं आता है तो भी इसको अच्छे से समझियो, ठीक है। तो अपन चालू करते हैं। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। तो बेसिकली आज हमको पढ़ना है ओम्स लॉ क्या है और रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग खत्म करेंगे आज, ठीक है। टॉपिक लिखो ओम्स लॉ। देखो सबसे पहले तुम एक चीज समझो यार, जैसे तुम लोगों ने मतलब कभी मुझसे ये पूछा नहीं, लेकिन तुम सब ये टॉपिक बार बार सुन रहे हो, सुन रहे हो इलेक्ट्रिक चल पोटेंशियल। पढ़ाई कर, चुपचाप से ओम्स लॉ पढ़ लेंगे तो मारूंगा भी। पहले एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक ठीक पोटेंशियल। अरे जिसका आवाज चले बंद कर रहे हैं विदुष जी, अपनी आवाज बंद करो यार। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब तुम लोगों ने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, क्या मतलब होता है पोटेंशियल का? तो अगर ऐसे मतलब एकदम हिंदी में नहीं बताऊं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत। कि अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है वो भी हाई पोटेंशियल पे, मतलब इसके पास बहुत ताकत है। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो वो लो पोटेंशियल पे, मतलब इसके पास ताकत कम है। सीधी सी बात है, जैसे मान लो कि ये मान लो कोई पहाड़ी है, मान लो बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, ठीक है, और मान लो कि ये तुम हो, अभी तुमने पहाड़ी चलना चालू करी तो अभी तुम हाई पोटेंशियल पे हो, मतलब तुम्हारे अंदर ताकत बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे तुम इस पहाड़ी को पार करोगे, वैसे वैसे क्या होगी, तुम्हारी ताकत कम होती जाएगी, मतलब तुम्हारा पोटेंशियल कम होता जाएगा, और फिर अपन क्या बोलेंगे, तुम्हारा पोटेंशियल क्या हो गया, लो पोटेंशियल। तो होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत कितनी है किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास किसी भी वायर को क्रॉस करने की। क्या मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ताकत है ना। तो अब तुम ध्यान से सुनो, सब ध्यान से सुनो। तो लिखो अपनी कॉपी में, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कॉमा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कॉमा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस Across a wire is directly proportional to current flowing in the wire, is directly proportional to current flowing in the wire, comma, keeping external factors such as Keeping external factors such as temperature, comma, humidity as constant. तो ओम क्या बोलता है, देखो ओम्स लॉ ये बोलता है कि अगर मान लो अपने पास कोई वायर है, ठीक है, मान लो अपने पास कोई वायर है और मान लो कि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है आए, मान लो कि इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है आए, और मैं तुम्हें परसों क्या सिखाया था कि जितना ज्यादा चार्ज चलता है ना उतना ज्यादा करंट फ्लो करता है कि नहीं करता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जितना ज्यादा चार्ज वायर में चलेगा वायर में उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। और अब ध्यान से सुनना, अगर एक इलेक्ट्रॉन चलेगा तो थोड़ी बहुत ताकत कम होगी, दो इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन की ताकत कम होगी, तीन इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो तीन की ताकत कम होगी। तो जितने इलेक्ट्रॉन वायर में चलेंगे उनकी ताकत उतनी कम होगी। तो होगा क्या, वायर के एक तरफ होता है हाई पोटेंशियल, वायर के एक तरफ होता है लो पोटेंशियल। तो मान लो कि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वी, तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, क्योंकि जितना ज्यादा करंट होगा मतलब उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन चल रहे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन चल रहे मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स की ताकत कम हो रही है, ताकत कम होना मतलब पोटेंशियल कम होना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द वायर।
जितना करंट फ्लो करेगा उतना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, कीपिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर कॉमा ह्यूमिडिटी एज कॉन्स्टेंट. तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और इस प्रोपोर्शन को रिप्लेस करते हैं कॉन्स्टेंट से, वो कॉन्स्टेंट होता है आर. आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस. आर का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ वायर. लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको. V directly proportional to I, V equal to IR. लिख लो अपनी कॉपी में. और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो. सर आपने बोला कि जितना करंट फ्लो करेगा उतना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा. भाई तेरी आवाज साफ नहीं आ रही भाई. देख दे सर, आप V directly proportional to I वापस समझा दो ना. हाँ हाँ मैं वापस समझा, एक बार लिख लो इसको. ओम्स लो वापस लिख लो. देखो ओम्स लो लिखने का मेरा मेन रीजन ये है कि अपने को जैसे अगर एसर्शन रीजन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो अपने को इसकी डेफिनेशन पूरी मुझे बानी याद होनी चाहिए. तो ओम्स लो ये बोलता है कि किसी भी वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है डिपेंड करता है कि इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है. लिख लो. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर is directly proportional to current flowing in the wire, keeping external factors such as temperature, humidity as constant. So V directly proportional to I, V equal to IR. ठीक है, एक सेकंड देवांश, मैं पूरा करके फिर समझा देता हूँ. ये लिख लिया तुम सबने V equal to IR. तो देखो V equal to होता है IR. V का मतलब potential नहीं है. V का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. I का मतलब क्या है? I का मतलब है करंट. R का मतलब क्या है? R का मतलब है रेजिस्टेंस. क्या रखना, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, करंट की होती है एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट, जिसको डिनोट करते हैं हम V से. लिख लो अपनी कॉपी में. V का मतलब क्या होता है? V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस. I मतलब कितना करंट फ्लो कर रहा है, आर मतलब कितना रेजिस्टेंस है. ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें देवांश ध्यान से सुनना, मैं तेको ओम्स लॉ वापस कैसे एक्सप्लेन करता हूं. देख सपोज कर कि ये कोई वायर है, ठीक है, और मान ले कि यहां पे तू खड़ा है, और मान ले कि तेरे पास अभी 500 जूल की एनर्जी, ठीक है, मान ले तू यहां से यहां गया और मान ले तेरे में एनर्जी बची 400 जूल, मतलब तेरी कितनी एनर्जी खत्म हुई, 100 जूल खत्म हुई. तो किसी भी वायर को मान ले कि इस वायर को क्रॉस करने के लिए 100 जूल की एनर्जी चाहिए होती है, सपोज कर. अब मान ले कि तेरे तीन दोस्त हैं, अब मान लो तुम तीन दोस्त हो, तीनों के पास 500 जूल है. अब तीनों जब तुम वायर को क्रॉस कर जाओगे तो तुम तीनों के पास कितनी बचेगी, 400 जूल. तो तुम मुझे बता कि यहां से लेके, तो तुम मुझे ध्यान से देख के बता कि यहां से लेके यहां तक पहले कितना एनर्जी खत्म हो रहा था, 100 जूल, लेकिन अब लोग बढ़ जाएंगे तो अब यहां से यहां कितना एनर्जी खत्म हो रहा है, 300 जूल खत्म हो रहा है. तो यही होता है. तो अगर किसी वायर में मान ले एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो खाली उसकी ताकत खत्म होगी, लेकिन अगर मान ले चार इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो चार की ताकत खत्म होगी. ये जो ओवरऑल ताकत होती है सबकी ताकत मिला के, इस ताकत को बोलते हैं पोटेंशियल. तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक की ताकत खत्म होगी, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो दो की खत्म होगी, तीन जाएंगे तो तीन की खत्म होगी. तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा तेरा पोटेंशियल ड्रॉप होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द वायर. करंट ज्यादा होने का मतलब है ज्यादा इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं. ज्यादा इलेक्ट्रॉन चल रहे मतलब हर इलेक्ट्रॉन की इंडिविजुअल एनर्जी खत्म हो रही है, इंडिविजुअल ताकत खत्म हो रही है. तो ये मतलब होता है ओम्स लॉ. ओके सर, बात है. ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछू. सपोज करो कि मेरे पास ये एक वायर है, मान लो कि मेरे पास ये एक वायर है, ठीक है, सब ध्यान से सुन लो. मान लो ये ए पॉइंट है और सपोज करो कि यहां से करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर. कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर. और मान लो ए पॉइंट पे आपको पोटेंशियल दे रखा है 100 वोल्ट का पोटेंशियल दे रखा है. और मान लो कि ए से लेके बी तक की जो रेजिस्टेंस है वो आपको मान दो दे रखी है 10 ओम. कितनी दे रखी है? 10 ओम. तो आपको मुझे बताना है कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा. सॉल्व करो कितना आएगा, सोच सकते हो कितना आएगा, दिमाग लगा सकते हो. देखो अब सब ध्यान से सुनो, सबको यहाँ पे एक वायर दिख रहा है. मान लो वायर का एक एंड है ए, वायर का दूसरा एंड है बी. वायर में करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर. ए पॉइंट पे आपका पोटेंशियल है 100 वोल्ट. तो आपको बताना है कि बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा. देखो ध्यान से,
आप मुझे बताओ कि इस वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, V इक्वल टू IR हो रहा है, तो करंट कितना है 2, रेजिस्टेंस कितनी है 10, तो 210 जा कितना होता है आप मुझे बताओ, 210 जा कितना होता है 20 वोल्ट होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, 20 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो जब वायर चालू हुआ तो कितनी ताकत थी 100 वोल्ट की, 20 वोल्ट की ताकत खत्म हो गई तो बी पे कितनी बची 80 वोल्ट की ताकत, तो बी पे पोटेंशियल कितना आ गया तुम्हारा 80 वोल्ट आ गया। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया, डाउट है तो पूछो किसी को इस कॉन्सेप्ट में। तो वायर के शुरुआत में मान लो 100 वोल्ट का पोटेंशियल है, वायर के अंदर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कैसे पता पड़ता है, आई इंटू आर, कितना करंट पास कर रहा है इंटू कितना रेजिस्टेंस है, तो करंट है 2, रेजिस्टेंस है 10, 210 जा कितना आ गया 20 वोल्ट, तो वायर के शुरुआत में 100 था, वायर के अंदर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितनी ताकत कम हुई 20 वोल्ट की, तो अब कितनी ताकत बची, कितना पोटेंशियल बचा 80 वोल्ट का बचा। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, तो क्वेश्चन ये लिखो अपनी कॉपी में, फाइंड पोटेंशियल एट, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो आपको बताना है बी पे कितना पोटेंशियल, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, मान लो ये एक पॉइंट है ए, और मान लो आपको ए पे पोटेंशियल दे रखा है 200 वोल्ट, और मान लो इधर से करंट जा रहा है 2 एम्पीयर, मान लो ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, मान लो ये रेजिस्टेंस है 10 ओम, और मान लो यहाँ पे आपका पॉइंट है बी, तो आपको बताना है बी पे पोटेंशियल कितना होगा, सोचो क्या आएगा, सब दिमाग लगाओ, दिमाग सबके पास है बस उसको यूज करना सीखना है, सोचो कितना आएगा इसका आंसर, करो अनुष्का कितना आएगा, आभ्या करो, मेघना ट्राई करो, यश चंदवानी साहब, आदित्य करो ट्राई करो, जयादित्य करो ट्राई करो इसको सब, स्वरा कितना आएगा लगाओ दिमाग, किंजल कितना आएगा सोचो, ये दो हमें देखो इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर, तो 2 इंटू 2, तो 4 वोल्ट की ताकत यहाँ खत्म हो गई, चेक करो इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आई इंटू आर, तो 2 इंटू 10, तो 20 वोल्ट की ताकत यहाँ खत्म हो गई, तो टोटल कितनी खत्म हुई, 20 और 4 24 खत्म हो गई, तो यहाँ पे 200 थी, 24 वोल्ट खत्म हो गया, तो यहाँ कितना बचा, करेक्ट है जय। अरे मैंने ये नहीं पूछा कितना खत्म हुआ, मैंने पूछा कितना बचा, मैं पूछ रहा हूँ बी पे कितना पोटेंशियल है, सो द आंसर विल बी 176 वोल्ट, यहाँ पे ए पे 200 था, तो 2 ओम में कितना ड्रॉप हुआ 4 वोल्ट, 10 ओम में कितना ड्रॉप हुआ 20 वोल्ट, टोटल कितना ड्रॉप हुआ 24 वोल्ट, तो भाई 200 में से 24 गया कितना बचा 176 बचा कि नहीं बचा, अब भैया कितना आंसर आ रहा है, इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देवांश भाई, अभिनव सर, यस, ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो सही में तुम्हें लगेगा मैं हिब्रू में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत गंदा है, अगर देखा जाए तो नहीं समझ में आएगा, तो है आसान है पर नहीं पढ़ोगे तो बहुत गंदा है, कोई डाउट है तो पूछो वरना आगे बढ़ रहा हूँ मैं। गगन कोई डाउट है, अनुष्का आभ्या कोई डाउट है तो पूछो, ओके कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, तो किसी भी वायर की रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, तो मान लो ये आपके पास कोई वायर है, और मान लो कि इस वायर की लेंथ है l, और मान लो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है a, देखो एक तो रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि जितना लंबा वायर होगा रास्ते में उतने ज्यादा एटम पड़े होंगे, जितने ज्यादा एटम पड़े होंगे इलेक्ट्रॉन को उतने एटम से टकराना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन को जितने एटम से टकराना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की ताकत उतनी कम होती चली जाएगी, तो जितना लंबा वायर होता है रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होती है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ये ए कौन सा एरिया है, ये है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अच्छा तुम खुद मुझे बताओ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए कैसे होगा, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, मान लो सपोज करो कि हमारे पास तीन मोटे मोटे आदमी है, कितने, तीन मोटे मोटे आदमी है, और मान लो कि ये एक वायर है,
और मान लो कि नीचे एक बड़ा कितना लंबा हुआ है, ठीक है, मान लो नीचे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, नीचे वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, ऊपर वाले का एरिया कम है ज्यादा है, आप मुझे बताओ कि इनमें से किस केस में इन लोगों को पास करने में आसानी होगी। देखो यहाँ पे एरिया कम है और ये मान लो इन तीनों को साथ में पास करना है तो भाई बहुत मुश्किल होगी, लेकिन जैसे ही तुम मान लो एरिया इतना बड़ा कर दो तो अब तो तीनों आराम से पास कर सकते हैं। तो अब जितना एरिया कम करोगे ना इलेक्ट्रॉन्स को पास करने में दिक्कत होती है, जितना आप एरिया बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन को पास करने के लिए एरिया ज्यादा मिलता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से पास करते हैं। तो एरिया बढ़ाने पे आपका रेजिस्टेंस घटता है, लेंथ बढ़ाने पे आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है, और इन दोनों प्रोपोर्शन को रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट आता है रो, तो फॉर्मूला बनता है आर इक्वल टू रो एल बाय ए, और इस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। लिख लो अपनी कॉपी, इस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, या फिर कई लोग इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, लिख लो क्या यूनिट होती है इसकी, ओम मीटर। तो जितना लंबा वायर रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, और इन दोनों प्रोपोर्शन को हटा के कांस्टेंट लगाओ रो, तो आर का फॉर्मूला है रो एल बाय ए। लिख लो अपनी कॉपी में सर। आप पूछो सर रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी पे आ रहा हूं, रेजिस्टिविटी पे आ रहा हूं, अगली साइड रेजिस्टिविटी की मेरी, कि रेजिस्टिविटी क्या होता है और किस पे डिपेंड करता है। और सर ये रेजिस्टेंस टेंपरेचर पे डिपेंड करेगा क्या? हां करेगा करेगा, आ रहा हूं, ये सब रेजिस्टिविटी का पार्ट है। तो कोई तुम्हें पूछेगी बताओ आपकी रेजिस्टेंस किन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो एक है लेंथ, दूसरा है एरिया और तीसरा है रेजिस्टिविटी। अब मैं आ रहा हूं कि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, पहले तीनों लिख लो अपनी कॉपी में, और तुम टेंशन मत लो, तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ऐसे ही मिलेगा, राइट फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, लेंथ एरिया रेजिस्टिविटी। लिख लो, और किसी को इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। देखिए आप, अच्छा अब एक चीज तुम ध्यान सुनो, देखो एक चीज तुम याद रखना कि फिजिक्स में अपन जब भी किसी कांस्टेंट को हटा देना, जैसे प्रोपोर्शन को हटा, जैसे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i था, और मान लो मैं प्रोपोर्शन को हटा के लिखता हूं r, तो फॉर्मूला क्या बना, v इक्वल टू आई आर। याद रखना जब भी आप किसी प्रपोर्शन को हटा के कोई कॉन्स्टेंट लगाते हो तो ये इन लोगों पर डिपेंड नहीं करता। तो कोई तुम्हें पूछे कि यार v इक्वल टू आई आर फॉर्मूला है तो क्या r v और i पर डिपेंड करता है, नहीं करता है। अगर तुम v बढ़ाओगे तो i बढ़ेगा, अगर तुम v घटाओगे तो i घटेगा, r पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक लाइन लिखना अपनी कॉपी में, r इज इंडिपेंडेंट ऑफ, r इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अगर तुम बैटरी का वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपकी सर्किट में करंट बढ़ जाएगा, अगर तुम बैटरी का वोल्टेज घटाओगे तो आपके सर्किट में करंट घट जाएगा, R पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो R इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। याद रखना फिजिक्स में अगर तुम कभी भी किसी प्रोपोर्शन को हटा के कोई कांस्टेंट लगाते हो तो इस कांस्टेंट को इन लोगों से कोई मतलब नहीं होता है। लिख लो इस लाइन को अपनी कॉपी में। उसी तरीके से याद रखना कि याद है अभी मैं तुम्हें क्या लिखवाया था, मैं तुम्हें यह लिखवाया था कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बेसिकली होता क्या है, इन दोनों प्रोपोर्शन को हटा के हमें कांस्टेंट लगाते हैं, वो होता है रो L बाय A, तो फॉर्मूला ये बनता है। तो बेसिकली यहाँ पे रो भी क्या है, एक प्रोपोर्शन को हटाने वाला कांस्टेंट है। लिख लेना रो इनडिपेंडेंट ऑफ, रो इनडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। मतलब तुम्हें फॉर्मूला देख के लग रहा होगा क्या सर आप क्या बोल रहे हो, रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में लेंथ एरिया आ तो रहा है? नहीं, अगर आप लेंथ बढ़ाओगे एरिया बढ़ाओगे आपका आर चेंज करेगा, आपकी रेजिस्टिविटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो रेजिस्टिविटी इज इनडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। तो कोई तुम्हें बोले कि मेरे पास कॉपर का 2 मीटर का वायर है और मेरे पास एक कॉपर के 4 मीटर का वायर है, तो बताओ इन दोनों में से किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है? आपको बोलना है कि भैया रेजिस्टिविटी को लेंथ से कोई मतलब नहीं है, तो रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। तो फिर रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है? तो रेजिस्टिविटी 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है टाइप ऑफ मटेरियल, कि कौन सा मटेरियल है,
जैसे कॉपर का अलग होता है, एल्यूमिनियम का अलग होता है, वुड का अलग होता है, प्लास्टिक का अलग होता है, दूसरा टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? टाइप ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर। तो तुम अगर मटेरियल चेंज करोगे, जैसे मान लो कॉपर की जगह एल्यूमिनियम वायर ले लिया, एल्यूमिनियम की जगह निकल का वायर ले लिया, निकल की जगह आयरन का वायर ले लिया, तो आपकी रेजिस्टिविटी चेंज कर जाएगी। अगर तुम टेम्परेचर चेंज करोगे तो भी रेजिस्टिविटी चेंज करेगी। लेंथ और एरिया चेंज करने पे रेजिस्टिविटी पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। लिख लो अपनी। सर आप पूछो। सर सपोज मतलब रेजिस्टिविटी एक ही वायर दो बार लिया, जैसे कॉपर का वायर दो बार लिया है, तब भी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी या अलग अलग होगी? सेम रहेगी। अगर कॉपर का वायर है, दोनों वायर कॉपर के, मतलब चाहे तो अमेरिका में कॉपर का वायर ले ले, इंडिया में कॉपर का वायर ले ले, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। क्योंकि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? टाइप ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर। तो अगर मटेरियल सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो रेजिस्टिविटी सेम ही होगी। तो सर अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? हाँ, वो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, वो और अलग टॉपिक है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो कोई तुझे पूछे कि क्या रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है? देख, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे, और रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर चेंज करने पे रो चेंज होगा, और रो चेंज होने पे आर चेंज होगा। तो हाँ, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। लिख लो, और किसी को इसमें कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो मुझे। हाँ पूछो। सर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? वो मैं नहीं, वो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है बेटा, वो मैं अभी लाइन यूज नहीं कर सकता। मेटल का अलग होता है, इंसुलेटर का अलग होता है, सेमीकंडक्टर का अलग होता है। तो उस टॉपिक पे मैं आऊंगा कि किसकी बढ़ने पे क्या होता है। Okay. अभी तुम्हें इतना याद रखना है कि एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, तो इसमें आर को वी और आई से कोई मतलब नहीं है। फिर एक फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल बाय ए, तो रेजिस्टेंस तो रो एल तीनों पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन रेजिस्टिविटी को ना लेंथ से मतलब है, ना एरिया से, ना रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? कि कौन सा मटेरियल है और कौन सा टेम्परेचर है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? अब तक कोई डाउट है तो पूछो, ये तो एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है ये, एक सेकंड, मान लो कि आपके पास एक वायर है, मान लो जिसकी लंबाई आपको 20 मीटर दे रखी है, और मान लो ये आपको 2 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और मान लो आपको रेजिस्टेंस दे रखा है इसका 500 ओम। तो आपको बताना है किसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी। ट्राई करो, इसी बारे में तुम्हें फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, सॉल्व करो क्या आएगा इसका आंसर। और याद रखना, एरिया और लेंथ सब कुछ हमेशा मीटर में लेगा, कभी भी सेंटीमीटर में मत लेगा। कितना आएगा इसका आंसर? आर कितना है? 500। लेंथ कितनी है? 20। एरिया कितना है? 210 जा 10 से 10 गया, तो रेजिस्टिविटी कितनी आई? 50 ओम मीटर आ गई। देख लो अपनी, 50 ओम मीटर। भाई गलती से भी तुम लोग यूनिट मत भूल जाना, ठीक है? यूनिट याद होनी चाहिए। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कराया ताकि तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाए। अब किसी को इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है अब तक तो क्लियर कर सकते हो, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, तो कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। Variation of resistance with temperature for metals. तो गगन ध्यान से सुनना, पहले अपन बात कर रहे हैं मेटल्स की। तो मेटल्स के लिए टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे चेंज करती है? तो आप एक लाइन लिखना अपनी कॉपी में, रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और उसका रीजन क्या है? Because resistivity will be proportional to temperature. अब resistivity temperature के proportional क्यों होती है? ये अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तुम याद रखना, variation of resistance with temperature for metals. तो metals के लिए अगर आप temperature बढ़ाओगे तो resistance पे क्या फर्क पड़ता है? तो resistance बढ़ती है। और इसका formula क्या होता है ध्यान से देखना। मान लो T1 temperature पे आपकी resistance है R1, मान लो T2 temperature पे आपकी resistance है R2, और मान लो T2 greater than T1 है तो R2 will be greater than R1 होगा, ठीक है? और इनका रिलेशन क्या है? तो रिलेशन लिखो, R2 equal to R1
और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस अल्फा टी टू माइनस टी वन. अल्फा होता है आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी लिख लो अपनी कॉपी में. और इसकी यूनिट होती है केल्विन इनवर्स या सेल्सियस इनवर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, लिख लो. तो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर फॉर मेटल्स, तो मेटल्स की रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? एक तो तुम्हें ये याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है. पर ऐसा क्यों होता है ये मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, आगे एक टॉपिक आएगा डेड फिलोसफी उसमें. अच्छा ये तो बात की बात है. अच्छा अब कैसे निकालेंगे? तो मान लो टी वन टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है आर वन, मान लो टी टू टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है आर टू. तो अगर टी टू टी वन से बढ़ा है तो आर टू आर वन से बड़ा होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी. तो इक्वेशन क्या बनती है ये, आर टू इक्वल टू आर वन वन प्लस अल्फा टी टू माइनस टी वन. लिख लो अपनी कॉपी में, फिर एक न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करना है इसका, लिख लो आराम से. नहीं देवांश, टेम्परेचर बढ़ने पे यहाँ पे हम लेंथ और एरिया में जो चेंज है उसको इतना तवज्जो नहीं देते. टेम्परेचर बढ़ने पे एक बहुत अलग चीज होती है वायर्स में, वो क्या चीज होती है मैं उस पर आऊंगा. टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है बेटा, अपने एटम्स वाइब्रेट करते हैं बहुत तेज तेज, तो इलेक्ट्रॉन को चलने में दिक्कत होती है, तो इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. इस पर अपन आएंगे इस पर. ओके सर, थोड़ा ये चैप्टर ऐसा ही है यार, थोड़े टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है, तो मैं एक साथ सारा नहीं करा पाऊंगा, मेरे को लाइन से चलना पड़ेगा. ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो. तो क्वेश्चन है ये कि लिख लिया है फॉर्मेस में, लिख लिया इंजल, कोई डाउट है? कृष्णा आज तुम लोग डाउट नहीं पूछ रहे हो यार, या तो तुम सबको आता है या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, दोनों में से कुछ एक चीज है. चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो यार. तो क्वेश्चन है ये, एट 20 डिग्री सेल्सियस कॉमा रेजिस्टेंस ऑफ निकल वायर इज 20 ओम एंड एट 40 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस बिकम्स 60 ओम, फाइंड अल्फा फॉर निकल. तो आपको निकल के लिए अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ट्राई करो कितना आएगा, करो. और तुम्हारी एनसीईआरटी खोलना, एनसीईआरटी खोलते ही जो पीछे के पहले छह क्वेश्चन है ना, वो छह के छह क्वेश्चन आते हैं इसी फॉर्मूले के. तो आप अगर एनसीईआरटी नहीं है तो डाउनलोड कर लेना नेट से, और वो छह क्वेश्चन ट्राई करना अपनी एनसीईआरटी के. ठीक है, करो ट्राई करो, ये क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, करो लगाओ दिमाग. तो 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है 20 ओम है, और 40 डिग्री पे कितनी होगी 60 ओम हो गई. तो आपको बताना है निकल के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर. कितना आ रहा है? देखो फॉर्मूला क्या है, आर टू इक्वल टू आर वन वन प्लस अल्फा टी टू माइनस टी वन, यही फॉर्मूला है. तो आर टू मतलब हायर टेम्परेचर वाला, तो 60 लिख दो. आर वन कितना है 20 हो जाएगा, वन प्लस अल्फा टी टू कितना है 40 में से 20. ठीक है, तो ये जीरो से जीरो गया, तो ये तो तीन हो जाएगा, थ्री इक्वल टू वन प्लस अल्फा, 40 माइनस 20 कितना बचा 20, तीन में से एक गया दो, तो अल्फा इंटू 20, तो अल्फा कितना आया 1/10 या फिर 0.1 केल्विन इनवर्स आया, ये आपका आंसर है. किसी को इसमें कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो. देखो फालतू इसके चार क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, वो चारों क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे, या तो तुम्हें अल्फा निकालना होगा, या तुम्हें आर टू निकालना होगा, या तुम्हें टी टू निकालना होगा, तो कोई मतलब नहीं है. इससे अच्छा क्या है कि तुम ये फॉर्मूला तुम्हें समझ में आ गया, बस याद रखना कि टी टू ग्रेटर देन टी वन है तो आर टू विल बी ग्रेटर देन आर वन. क्योंकि मेटल्स के साथ क्या होता है, मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. लिख लिया, कोई डाउट है इसमें तो पूछो.
ओके कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में. नेक्स्ट टॉपिक लिखो करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी इसको डिनोट करते हैं हम जे से. किससे डिनोट करते हैं? जे से. तो करंट डेंसिटी बेसिकली होता क्या है? ये होता है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका फॉर्मूला होता है, जे का फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए, मतलब करंट अपॉन एरिया. इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर. और करंट डेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी. लिख लो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है जो लिखा हुआ है. एक तो इसका फॉर्मूला, इसकी यूनिट और ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. याद रखना करंट एक स्केलर है बट करंट डेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. जैसे मान लो ये आपके पास कोई वायर है और मान लो कि इस वायर से करंट पास कर रहा है आई, और मान लो इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, तो आपका करंट डेंसिटी कितना हो जाएगा? आई अपॉन ए हो जाएगा. लिख लो अपनी कॉपी में. और इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो. और वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन सेम एज करंट. डायरेक्शन सेम एज करंट. तो जो करंट की डायरेक्शन है वही करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन. क्रॉस सेक्शन एरिया तो ए था ना? क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा ना. तो ये क्या करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब? ये इसकी डेफिनेशन है, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. पर यूनिट का मतलब होता है डिवाइड करना. तो करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके सर. देख लिया? किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो. सर ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुई? यार ये अब एक बनाने वाला ने इसको वेक्टर बोल दिया, वरना कोई सेंस नहीं है इसको वेक्टर बोलने का. तो ये करंट अगर स्केलर है, एरिया अगर स्केलर है, तो ये वेक्टर कैसे हुआ? लेकिन हाँ, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिग्निफाई करने के लिए हम जे को भी डायरेक्शन दे, और कोई मतलब नहीं उसका. इसलिए खाली याद रख लो इसका कोई सेंस नहीं है, है ना? इसका सेंसलेस चीज है, वेक्टर क्यों बोलते हैं इसको. अच्छा अब तुम ध्यान से सुनो. तो मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं. सपोज करो ये कोई वायर है और मान लो वायर के इस तरफ पोटेंशियल है 60 वोल्ट, वायर के इधर पोटेंशियल है 20 वोल्ट. और मान लो कि तुम्हें वायर की लेंथ जो है वो दे रखी है तुम्हें 10 मीटर. क्या दे रखी है? 10 मीटर दे रखी है. और तुम्हें रेजिस्टिविटी दे रखी है इसकी 50 ओम मीटर. तो क्वेश्चन है फाइंड करंट डेंसिटी. ट्राई कर सकते हो क्या आएगा इसका आंसर? फाइंड करंट डेंसिटी. वायर के एक तरफ 60 वोल्ट का पोटेंशियल है, एक तरफ 20 वोल्ट का पोटेंशियल है. वायर की लंबाई आपको एल दे रखी है. कितनी लंबाई दे रखी है? एल दे रखी है वायर की लंबाई, एल 10 मीटर. रेजिस्टिविटी 50 ओम मीटर दे रखा है. एक तरफ 60 वोल्ट है, एक तरफ 20 वोल्ट है. ठीक है, मतलब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सर एरिया क्या है यहाँ पे? एरिया नहीं दे रखा है. क्या आएगा? सोचो इसका आंसर.
तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है देखो, एक तरफ 60 एक तरफ 20, 60 में से 20 गए कितना आया, 40 आया। करंट अपने पास नहीं है और रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रो एल बाय ए हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 40 इक्वल टू आई इंटू रो कितना है 50, लेंथ कितनी 10 और नीचे आ जाएगा एरिया ए। तो एक जीरो से आपका एक जीरो गया, तो आई को अपन क्या लिख सकते हैं, 4a/50 लिख सकते हैं। और जे बेसिकली क्या होगा, आई अपॉन ए होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4a/50 और ए नीचे पहले से, ए से ए गया, तो ये कितना आ गया, 4/50 एम्पियर अपॉन मीटर। या नहीं आया समझ में, क्या आ गया, V इक्वल टू आई आर, तो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I अपने पास नहीं है, R होता है रो एल बाय ए, रो है L है, तो यहां से मैंने I निकाल लिया A के टर्म्स। और J क्या होता है, I अपॉन है, I की वैल्यू पुट करी, A से A गया, ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये तुम्हें क्लियर हुआ। देखो नेक्स्ट क्लास अपनी है मेनली, आज मैं ड्रिफ्ट फिलोसफी नहीं करा पाया, नेक्स्ट क्लास अपनी मेनली ड्रिफ्ट फिलोसफी पे है और रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल के ऊपर। और कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो, किसी को कुछ पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। अभिनव भाई कोई डाउट है, देवांश, ध्रुव, गगन, कुछ भी पूछना है तो पूछो। ओके, मेघना कोई डाउट है कि क्लियर हो गया? तो एक तुम परसों मैंने करंट की जो तुम्हें क्विज भेजा था, एक तो तुम सबको वो करंट का क्विज सबमिट करना है, एक तो है ना वो सबमिट कर लो, क्योंकि तुम्हें से किया ही नहीं किसी ने, मुश्किल से 4-5 लोगों ने किया है। तो एक तो मुझे तुम्हें वो सॉल्व करवाना वो करंट का क्विज, और एक आज का पेपर भेज रहा हूँ वो भी तुम सॉल्व करना। तुम 7:30 के बाद तुम्हारे अगर ज्यादा डाउट्स है तो तुम मुझे फोन कर लेना, मैं जूम पे ऑनलाइन आ जाऊंगा, अपन डाउट क्लास रख लेंगे। 7:30 के बाद तुम कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है? तुम डाउट्स भेज देना स्क्रीनशॉट, मैं तुम्हारी डाउट क्लास रख लूंगा। पूछो तो उसका वो लास्ट क्वेश्चन क्या था, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस वाला? हां वो ऐसा है तो उसको एक बार ड्रॉप कर दो उस क्वेश्चन को, एक बार मैं इंटरनल रेजिस्टेंस करा दूंगा फिर कर लेना उसको। ओके सर, मैंने आप